भगवान शंकर ने विषपान किया और भगवान धन्वंतरी ने अमृत प्रदान किया। भारत में कार्तिक मास के कृष्ण त्रयोदशी का दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म के मानने वालों का यह विश्वास है कि इस दिन समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। इनकी चार भुजाओं में से एक भुजा में शंख होता है जो स्वास्थ्य की बीमारियों को दूर करता है तथा इसकी ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरे हाथ में अमृत जो इंसान को अमर बनाता है। तीसरे हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक व चौथे हाथों में औषधियाँ लिए हुए रहते हैं। भगवान धन्वंतरी ही भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। अतः धनतेरस के इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया व दूसरा सुख घर में माया।